नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार हमारे कुमार आनंद ब्लॉग में। दोस्तों मैं अभी एक बड़े ही धार्मिक जगह पे आया हुआ हूँ, आपने शायद नाम तो सुना ही होगा। हर एक अगर आप गांव देहात से हैं तो भगत का कार्यक्रम आप तो सुने ही होंगे, तो उस भगत में जो कारू बाबा का नाम लिया जाता है उसी के मंदिर को आज मैं देखने के लिए आया हूँ। आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, कारू बाबा, संत कारू बाबा, कारू स्थान है सहरसा में, वही एक जगह है वही पे, तो वही आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ दर्शकों का इतना हुजूम है, यहाँ आते हैं और मन्नतें को पूरा करते हैं। तो मैं अभी वही आया हुआ हूँ, संत कारू बाबा स्थान जस्ट अभी आया हुआ हूँ और अभी को ब्लॉग भी शूट कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे जगह को आप देखिए, मैं भी पहली बार ही आया हूँ, यहाँ का बहुत बार नाम सुना था, तो यहाँ की दर्शन की अभिलाषा मुझे भी खींच लाई। तो अगर आप नहीं आ सकते हैं तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जो है तो आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छा, बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, लाखों लाख की संख्या में लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जिसको जो मन्नतें मांगनी होती है वो सब मन्नतें मांगती है। तो मैं भी बस ऐसे ही आया हूँ घूमने फिरने के पर्पज से, तो अभी यही हूँ, अभी पूजा उजा होगा उसके बाद फिर निकल जाऊँगा अपने घर के लिए। तो दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और इधर देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये इधर पूरा मार्केट लगा हुआ है, कारू बाबा स्थान के जस्ट आगे में ही ये मार्केट लगा हुआ है, पूजा प्रसाद सब कुछ मिलता है आपको अगर ज़रूरी हो तो, सब कुछ का व्यवस्था यहाँ पे है, उत्तम व्यवस्था है, यहाँ बहुत दूर दूर से आदमी सब आते हैं, आदमी अपनी मन्नत को पूरा करते हैं। तो यही सब है कुल मिला करके, आने में आपको कोई असुविधा होगी नहीं, आप आसानी से गूगल मैप के जरिए आप आ सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। स्वागत आपका हमारे कुमार आनंद ब्लॉग में। दोस्तों अभी देख रहे हैं मैं मेला के ग्राउंड में हूँ और अभी ये यहाँ पे बच्चों का ये आकर्षण का केंद्र जो कहा जाता है झूला, घोड़े वाला झूला, असलियत में भाई साहब तो घूम नहीं ना पाएंगे, इसीलिए डुप्लीकेटे पे घूमते मजा ले रहे हैं। खैर वो सब तो है ही, जो है सो दूसरा बॉल भी वो खरीदे हैं टाइम पास करने के लिए, तो कुल मिला के ही सब है। और इधर भी माहौल बना हुआ बच्चे का जंपिंग जपाक करने वाला, आप भी आइए और जंपिंग टपा कीजिए और घोड़े का मजा लीजिए और लुत्फ उठाइए। आप इधर भी देख लीजिए, आप इधर जो है ना भाई साहब मेन रोड का नज़ारा है और ये इधर घोड़े वाला ये है, तो बच्चे का खेलने वाला है लेकिन बच्चे कम और बुढ़वा ज़्यादा चढ़ते हैं, ठीक है। तो यही है, तो बने रहे हमारे कुमार आनंद। तो दोस्तों फाइनली मैं कारू बाबा स्थान के प्रांगण में आ गया हूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है आने में। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे पूजा का सामग्री मिल जाता है, मैं भी अभी ये पूजा का सामग्री और ये लोटा लिया हूँ, आपको दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ कारू बाबा स्थान का। यही है कारू बाबा स्थान, आप जैसा कि देख सकते हैं, ये है संत बाबा कारू स्थान, ठीक है। तो अभी जा रहा हूँ जल लेने के लिए, आपको और दिखाते आगे।
पीछे आप ये देख सकते हैं भाई साहब यहीं के दुकानदार हैं और ये भी अपना दुकान का कौन सी का दुकान है ना? मनिहारा का दुकान है और बहुत अच्छे आदमी है और यहीं के यहाँ ज्यादा भीड़ रहता है ना? बहुत ज्यादा, सब दिन पूजा होता है, इससे भी ज्यादा सब दिन, बारह मास सब दिन पूजा होता है कारू स्थान में। और ये यहाँ के स्थानीय दुकानदार है जो की पूजा अर्चना करवाने का सामग्री सब भी रखते हैं। अगर आपको भी आवश्यकता हो तो इनके पास में आइए, बहुत ही दरियादिली इंसान है और ये आपको पूजा का सामग्री उपलब्ध कराते हैं। तो कुल मिलाकर के यही बात है और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहे और आपको दिखाते हैं संत बाबा कारू किरहर का ये नगरी। आपको विभूत वाले यहाँ पे आपको बताया था, आप मान्यताएं भी थी कि जो ये विभूत जो शुद्ध मन से लिया जाता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो यही है वो विभूत वाले बाबा और यही विभूत देते हैं। बहुत ही यहाँ की विभूत में बहुत ही शक्ति होती है, ये आप देखिए विभूत है तो यहाँ कुछ पैसे दे दीजिए और विभूत ले लीजिए क्योंकि यहाँ की विभूत की बहुत मान्यता है। तो इसी तरह मैं आपको नए नए तरीका का वीडियो आपके सामने आते रहूँगा, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मिलते हैं आगे और आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए आपको ये हो गया संत कारू बाबा स्थान का मंदिर, ये आप शायद फोटो में देखते होंगे, बहुत ज़्यादा फोटो आपको दिखाता होगा कि ये संत कारू बाबा को आप गूगल पे कोई फोटो वोटो का देखते होंगे, तो यही सब है। तो आप देखिए और इधर ये हो गया आपको कोसी नदी, तो ये कोसी नदी हालांकि अभी पानी है नहीं, और ये हो गया इधर नाव, बड़ी बड़ी नाव है। अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं तो आप नाव का भी मज़ा उठा सकते हैं, बहुत अद्भुत नज़ारा है यहाँ का नाव का भी, तो बने रहे।